आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो हेयर ट्रांसप्लांट मतलब बालों का प्रत्यारोपण। तो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हम पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। Magical experience your maybe short time. You are very good hands. I am very happy to work with you. हाय, मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, फाउंडर एंड चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सूरत, इंडिया। तो आज हम जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ किया, किस सीनेरियो में किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये आज हम जानेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो बाल है, हेयर है, वो क्यों फॉल होता है, क्यों झड़ते हैं। जो हमारे बॉडी में मेल में जो मेल पैटर्न बाल्डनेस, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ये जो कंडीशन है उसका जो मेन रीज़न है वो है DHT हार्मोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये आपके बॉडी के अंदर लाइफ टाइम रहने वाला है। ये हार्मोन क्या करता है कि आपके जो बालों की जड़ें हैं उसके साथ ये चिपक जाता है, जुड़ जाता है और उसको डैमेज करना चालू करता है। ये बहुत स्लो और प्रोग्रेसिव कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, सालों के सालों लग जाते हैं, किसी को 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, प्रोग्रेसिव है, स्लो है, तो धीरे धीरे वो आपको बाल्डनेस क्रिएट करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इनिशियली क्या होता है कि आपका जो शुरुआत आगे का जो एरिया है, फ्रंटल लाइन है, वो रिग्रेस होना चालू हो जाएगी। टेम्पल एंगल्स आपके अंदर जाना, टेम्परल एंगल्स पूरे अंदर जाना चालू हो गया, फिर बाद में क्राउन एरिया इन्वॉल्व होगा। धीरे धीरे करके आपका जो 70% एरिया है आपके स्काल्प का, आपके सिर का, वो पूरा खाली हो जाएगा। तो जब आपके रूट्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, जब आपको बाल्डनेस हो जाती है, तब हेयर ट्रांसप्लांट आपको काम आता है। तो एक बार आपका हेयर का जो रूट है वो डैमेज हो जाता है, परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसके बाद कोई भी कंजर्वेटिव अप्रोच उसमें वर्क नहीं करेगा। कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब क्या होता है कि एक बार आपका रूट डैमेज हो गया जिसकी वजह से आपको बाल्डनेस हो गई है, उसके बाद ना तो उसमें कोई ऑयल काम करेगा, ना कोई उसमें शैम्पू काम करेगा, मेडिसिन भी उसमें काम नहीं करेगी, ना PRP काम करेगी, लेज़र ट्रीटमेंट, मेसोथेरेपी, कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। क्योंकि उसको काम करने के लिए जो चीज़ चाहिए, जो बालों की जड़ें चाहिए, जो रूट चाहिए, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उसके ऊपर वो चीज़ें काम नहीं करने वाली है। उस समय जो काम करेगा वो एक ही चीज़ है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो हेयर ट्रांसप्लांट से जो आपकी बाल्डनेस हुई है उसको आप परमानेंटली उसका सॉल्यूशन, नेचुरल सॉल्यूशन आप उसको गिन सकते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट की मदद से आपका जो बाल्ड पैच हुआ है उसमें आप वापस आपके जो हेयर है उसको रीग्रो कर सकते हो। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके रूट डैमेज हुए भी है कि नहीं हुए हैं, उसको जानने का आप घर बैठे बैठे एक सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आपको ऊपर आपकी जो स्काल्प की जो स्किन है, जो बॉल्ड पैच है, वहाँ पर आपको स्मूथ स्किन फील हो रही है, मतलब एकदम स्मूथ सॉफ्ट सरफेस फील हो रही है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर आपका जो रूट है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। तो इस तरह आप जान सकते हो कि आपका रूट डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो कंजर्वेटिव अप्रोच है वो ना लेके आप सीधा हेयर ट्रांसप्लांट में आप काम कर सकते हो, परमानेंट सॉल्यूशन आप चूज़ कर सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, जो आपके परमानेंट हेयर है, जो आपके पीछे के एरिया के परमानेंट हेयर है, वहाँ से हम बालों को निकालते हैं और वापस उसको जहाँ पर बाल्ड पैच है वहाँ पर लगाते हैं। तो कैसे किया जाता है ये हेयर ट्रांसप्लांट, इसमें हम क्या करते हैं, शुरुआत में लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं,
जिसकी मदद से क्या होगा कि जहाँ हमको काम करना है वो जो स्किन है, वो चमड़ी है, वो आपकी सून हो जाएगी, नंब हो जाएगी। तो इनिशियली 2 से 5 मिनट लगते हैं हमको ये सून करने में। एक बार हम सून कर देते हैं, उसके बाद जो ये प्रोसीजर है थोड़ी लंबी होती है, 8 से 10 घंटे की रहती है। तो पूरी प्रोसीजर में आपको पेन फील नहीं होता है, इसको हम लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं कि पीछे आपका जो डोनर एरिया है, पीछे का जो हिस्सा है, वहाँ से हमको बाल निकालने, वो जो प्रोसीजर है उसको हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि यहाँ से हम बाल निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे जो बाल्ड पैच है वहाँ पर स्लिट्स बनाएंगे, और वो स्लिट्स के अंदर बाल को इम्प्लांट करेंगे, आपके हेयर जो पीछे से निकाले हैं उसको इम्प्लांट करेंगे। तो पूरी प्रोसीजर इस तरह से रहती है, 8 से 10 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है वैसे गिना चाहिए, 1 डे प्रोसीजर है। आप सुबह क्लिनिक में जाओगे और इवनिंग तक आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप सेकंड डे से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, टेबल वर्क ऑफिस जॉब आप कर सकते हो। एक्सरसाइज हार्ड वर्क, इसके लिए थोड़े बहुत प्रिकॉशन होते हैं, इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है। जो आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को पूछोगे वो आपको इजीली काउंसलिंग करेंगे इस बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बार आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो हम काफ़ी ईगरली हम वेट करते हैं कि अब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है, बाल डाल दिए मैंने, अभी बाल आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। इनिशियली शुरुआत का जो 2 मंथ का 2 मंथ का जो पीरियड है उसको शेडिंग फेज बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके जो नए बाल हमने डाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट करके, वो बाल झड़ जाते हैं, वापस गिर जाते हैं। तो आपको 2 महीने के बाद शायद ऐसा भी फील हो कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 3rd मंथ से आपका ग्रोथ फेज चालू होता है, जो धीरे धीरे ग्रो करेगी, आपके हेयर लंबे होंगे, लेंथ बढ़ेगी, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। 6 to 8 मंथ में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों की मान्यता ये रहती है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल लंबे नहीं होते, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जेल नहीं डाल सकते, ऑयल नहीं डाल सकते, अगर मैंने एक बार शेव करवा लिया तो वो बाल वापस नहीं आएंगे। तो ये सब मान्यता है, ये सब सही बात नहीं है। जो हेयर ट्रांसप्लांट है ना, वो एक नेचुरल सॉल्यूशन आप गिन सकते हो, क्योंकि हम उसमें बाहर का कुछ नहीं लगा रहे हैं, हम कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम आपके ही जो नेचुरल हेयर है, जो आपके सर के पीछे के हिस्से में है, उसको वहाँ से निकालते और जहाँ पर आपका बाल्ड पैच है वहाँ पर उसको लगा देते हैं। यानी कि आपके नेचुरल हेयर को एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह रख देते। उसका मतलब ये होता है कि जो आप पहले करते थे बालने से पहले, आप जो चीज़ें आपके बालों के साथ करते थे, जैसे कि हेयर कटिंग करवा लिया, शैम्पू, ऑयल, जेल, ये सारी चीज़ें आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि हेयर वही है, नेचुरल चीज़ है। उसको आप कट करवाओगे तो वापस वो अपना लेंथ पकड़ेगा, उसमें आप जेल डाल सकते हो, ऑयल डाल सकते हो, आप जो एज़ यूजल आप रूटीन लाइफ में पहले करते थे वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आई थिंक अब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ऊपर की इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली है, बट ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। तो यदि आपको भी किसी तरह का अभी भी क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो आप फील फ्री आप नीचे कॉमेंट में डालिए। जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल होगा, वही क्वेश्चन का मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।